सोनीपत जिले में सोमवार को कोविड 19 कोरोना वायरस के नए 90 केस सामने आए हैं। जिले में कोरोना वायरस के नए मामलों के साथ आंकड़ा 1644 पहुंच गया है। उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने कहा कि सोनीपत में सोमवार को कोविड 19 कोरोना वायरस के 90 नए मामले सामने आए हैं। इस प्रकार जिले में अब कोरोना वायरस के मामलों का कुल आंकड़ा 1644 हो गया है। उपायुक्त ने यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर दी है। उपायुक्त पुनिया ने कहा कि कोरोना वायरस के नए पॉजिटिव मामले शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी शामिल हैं। शाम तक 90 में से 62 मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो चुकी थी, जबकि शेष 28 मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेसिंग जारी थी। टेस्ट किए गए जा चुके 62 मरीजों में से 22 महिलाएं मरीज शामिल हैं। नए मामलों में पिथौरा गांव में एक ही परिवार के 5 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक ही परिवार के 2 लड़के व 3 लड़कियां कोरोना संक्रमित मिली हैं। इनमें 5 वर्षीय लड़का, 3 वर्षीय लड़का, 8 वर्षीय लड़का, 11 वर्षीय लड़की व 12 वर्षीय लड़की शामिल है। यह सभी सगे भाई बहन हैं। ललाड़ा गांव में भी एक परिवार के 3 सदस्य कोरोना से संक्रमित मिले हैं। ललाड़ा में 32 वर्षीय युवक तथा उसका 3 वर्षीय पुत्र व 4 वर्षीय पुत्र कोरोना संक्रमित मिला है। उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस के नए पॉजिटिव मामलों की शहरी क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 23 में 52 वर्षीय बुजुर्ग, 30 वर्षीय महिला, सेक्टर 12 में 55 वर्षीय बुजुर्ग व 65 वर्षीय वृद्ध महिला, एलएन कॉलोनी में 23 वर्षीय महिला, नंदवानी नगर में 28 वर्षीय युवक, देवड़ू रोड पर ऋषि कुंज कॉलोनी में 36 वर्षीय युवक, दिल्ली कैंप में 75 वर्षीय वृद्ध महिला, तारानगर में 42 वर्षीय महिला, जनता कॉलोनी में 53 वर्षीय बुजुर्ग, न्यू रमेश नगर में 37 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित मिली है। साथ ही सोनीपत के विभिन्न क्षेत्रों में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जारी है। इनमें 60 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति, 28 वर्षीय युवक, 20 वर्षीय महिला, 25 वर्षीय महिला, एक वर्षीय नन्ना बच्चा भी है, 45 वर्षीय महिला तथा 25 वर्षीय युवक और 50 वर्षीय बुजुर्ग शामिल है। अन्य क्षेत्र में एक परिवार के 3 सदस्य कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें 38 वर्षीय महिला व उनका 5 वर्षीय नन्ना बेटा तथा 3 वर्षीय नन्नी बेटी शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि चिटाना गांव में 28 वर्षीय युवक, कुंडली में दुर्गा कॉलोनी की 3 नंबर गली में 47 वर्षीय युवक, सिलाना गांव में 42 वर्षीय व्यक्ति, कुंडली में 42 वर्षीय व्यक्ति, 60 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति, खांडा में करण स्कूल के पास 33 वर्षीय युवक, सैदपुर में 29 वर्षीय युवक, फिरोजपुर बांगड़ में बैंक के पास 1 वर्षीय नन्ही बालिका व 47 वर्षीय महिला, बालगढ़ में 27 वर्षीय महिला, बड़ौता में 19 वर्षीय नव युवक, 54 वर्षीय बुजुर्ग, 28 वर्षीय युवक व 58 वर्षीय बुजुर्ग, 27 वर्षीय महिला तथा 50 वर्षीय महिला और 90 वर्षीय वृद्ध महिला कोरोना से पॉजिटिव मिली है। खरखोदा में वार्ड नंबर 12 में 29 वर्षीय युवक तथा वार्ड नंबर 6 में बैंक ऑफ बड़ौदा के निकट 40 वर्षीय महिला, फजिलपुर में 22 वर्षीय युवक, गढ़ सजानपुर में 47 वर्षीय महिला, जठेड़ी में 25 वर्षीय युवक, गढ़ी में 61 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति, अवलाना में 25 वर्षीय युवक, लिवासपुर में 37 वर्षीय युवक तथा तुर्कपुर में 59 वर्षीय बुजुर्ग और सांदल खुर्द में 72 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं। साथ ही सोहटी गांव में एक परिवार के 2 सदस्य कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें 42 वर्षीय महिला और 21 वर्षीय पुत्र शामिल है। देश अब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।